और नेताओं ने आके जो तो अपनी रोटी फेंकी थी, हमदर्दी बटोरने का काम किया था। अभी महानगर पालिका का इलेक्शन सामने है, मैं माफी चाहता हूँ नासिर भाई, आपको थोड़ा मेरी बात का बुरा लग रहा होगा। मतलब प्रशासन पब्लिक से बड़ा नहीं है, आपके माध्यम से पहले ये बताता हूँ कि प्रशासन जो भी हो, सत्ता किसी की भी हो, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। जिस दिन पब्लिक अगर रोड पे उतरेंगी तो प्रशासन को भी बता देंगे कि पब्लिक क्या होती है। लेकिन कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद में पेपर सबमिट होंगे, उसके बाद में जो निर्णय आएगा वो है। लेकिन जो 8 तारीख का है, क्या MIM गरीबों के साथ में खड़ी है, ये लोगों के साथ में खड़ी है, बुलडोजर नहीं चलने देंगी? अगर चलाते हैं तो MIM का क्या खत्म रहे? ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ के कई लोगों ने तय कर लिया कि अगर जिस दिन प्रशासन ये हरकत करेगा तो ये यहाँ पर जो सीन पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा होगा। ये घर देने का काम करिए, घर तोड़ने का काम मत करिए। आदाबर्ज़, मैं हूँ नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुँचाएंगे हम। दिवाली सर पर है और इसी दिवाली के शुभ अवसर पर लेबर कॉलोनी के लोगों पर पहाड़ तोड़ा है प्रशासन ने। प्रशासन का कहना यह है कि लेबर कॉलोनी के लोगों ने 8 तारीख तक अपने अपने घर खाली कर उन्हें वहां से जाना होगा। तकरीबन 50-60 साल से रहने वाले वो लोग घर खाली करने को मजबूर है। सभी पक्षों के लोग वहां जाकर आश्वासन दे रहे हैं। इसी के चलते खासदार इम्तियाज जलील ने वहां के लोगों की मुलाकात ली और मुख्यमंत्री से ये उन्होंने सिफारिश की है कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर वो लोगों को अपने अपने घरों से ना निकाले। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक, मैं हूं असगर अली। आज हम लेबर कॉलोनी में मौजूद है और यहां पे मौजूद होने की वजह ये है कि एक अधिकारी रात में 12 बजे आकर यहाँ पे एक बोर्ड गाड़ता है कि 8 तारीख को आपको घर खाली करना है, नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे। मैं आपको बता दूं कि गरीब का अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ उसके पास होती है तो वो उसका घर होता है, उसका आशियाना होता है। आइए, यहाँ पे यहाँ के रहवासी है और हमारे साथ में MIM के नेता है नासिर सिद्दीकी साहब, उनसे भी बात करेंगे। पहले जो रहवासी है उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा धक्का बैठा आपको जब 8 तारीख का आपको सुनने में आया घर खाली करना? सर, हम लोग यहाँ लेबर कॉलोनी में रहते हैं। लेबर कॉलोनी आज जो बसी हुई है ये बहुत पुरानी है और 77 ईयर से मेरे पिताजी यहीं रह रहे हैं, मेरे वालिद साहब, और ये उनको यहाँ से अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ये निज़ाम गवर्नमेंट से ये घर उनको अलॉट हुआ था। और मेरे पिताजी लेबर यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में जॉब करते थे और उसके बाद में रिटायर्ड नाइक बोल के हुए हैं। मेरे मम्मी यहीं रहते हैं, मेरी पैदाइश यहीं की है लेबर कॉलोनी की। और उस टाइम पे अभी कुछ 2 साल पहले दिलीप बंड बोल के जो कमिश्नर आए थे, उन्होंने भी खाली कराने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगाए थे। BNC ने मिसगाइड करके ये जगह बताई कि उनकी है, लेकिन ये जगह उनकी नहीं है, ये निज़ाम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इन्होंने मेंटेनेंस के लिए लिया था। और अचानक आप फिर से दिवाली के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे लोगों को आके 12 बजे रात को दिलीप निकम वन जो है उन्होंने एक बोर्ड लगाते हैं कि भाई आपको ये घर खाली करना है और 12 बजे पुलिस प्रोडक्शन के साथ आके ये देना है। तो ये क्या पर्सनल प्रॉपर्टी निकम साहब की है? आज कोरोना की वजह से लोग दुनिया भर के परेशान है, घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, मार्केट खुल के 4 दिन नहीं हुआ और आप अचानक बोर्ड लगा के बोल रहे कि घर खाली करना है, तो जाएंगे कहाँ पर? रिटायर्ड लोग, आज मेरे फादर यहीं पे थे, यहीं पे जॉब करें, यहीं रिटायर हुए और यहीं गुजर गए वो। अभी हमारे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। और बंड साहब को भी उन्होंने भी बोला था कि अगर ये 24 घंटे में मैं तोड़ के नहीं रहा तो क्या बात है। जब आपने पूरे पेपर स्टडी किए तो बंड साहब पीछे हट गए, दिलीप बंड जो पूरे औरंगाबाद में नहीं पूरे मराठवाड़ा में उनका नाम हुआ था, और अचानक निकम साहब, गवर्नमेंट की नहीं है, निज़ाम गवर्नमेंट की जगह है, BNC ने मेंटेनेंस के लिए ली थी, ये मेंटेनेंस के लिए इन्होंने लिए थे, ये इनका कुछ भी नहीं है। बाद हफ्ता मेरे पास में इसका 11 लोगों का लेटर है, हमारे वाली साहब उसके अंदर है, 17 लोगों का, हम लोग जो आए थे वहाँ से आए थे, यहाँ का हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा जिस तरह से मीर सलाबत अली साहब, मेरे वालिद का नाम है, मेरा नाम है मीर मुजफ्फर अली और मेरे दादा का है मीर रहमत अली, तो हम लोगों को ये अलॉटमेंट वहाँ का है। लेकिन सालों से रह रहे आपने? मेरे वालिद साहब यहाँ पे 77 से यहाँ पर है, 77 से। और मेरी यहाँ पे हमारे पास में हमारे साथ में एक भाई और मौजूद है, आप काका कितनी दिवसानी सद्या 65 है और रनिंग माझे नाव किशोर सदावल, इधर मैं कम से कम मराठी बोलूँ, 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ मैं। मेरे पिताजी BNC में, हम भी हैदराबाद से इधर आए हुए, सिकंदराबाद से, तो उस टाइम नौकरी ढूंढते ढूंढते पिताजी इधर आ गए थे। PWD में मेरे पिताजी लिपिक थे, क्लर्क थे, और उनको अलॉटमेंट होगा। और अभी हम जब से मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ तो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसा मेरे पिताजी रिटायर हो गए, उनका काम था मुझे घर खाली करा के लेना, ये रूल्स है,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जज भी रिटायर, उसका बंगला दो महीने में खा जाए, इन्होंने इतने दिन क्यों छुप बैठे? क्या हमारे पास कुछ कागजात है वजह से छुपे? और इन पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने खड़ा था, उन्होंने उनको दिशा भूल किए, गलत पेपर दिए, वो गलत पेपर के आधार है उन्होंने क्या किया, डिसीजन दिए हाई कोर्ट नीचे का कोर्ट है वो, बस इनकी नहीं, एक्चुअली पीडब्ल्यू घर बांधे ने ओनली हैंडओवर, जबकि कलेक्टर देशपांडे साहब थे उसे गवर्नमेंट से उन लोग अलॉटमेंट को दिए थे, उस टाइम एरिक्शन जिला परिषद पीडब्ल्यू डी महानगर पालिका कोई भी आके रहता था, जब तुला घर पाए थे जब राज थे लेबर कॉलोनी ला कौन से डिपार्टमेंट बांधे हुए नहीं, अगर बी एन सी ये घर बांधे होती तो सिस्टमेटिक बांधती। यहाँ पे जो लोग 50-50 सालों से रह रहे हैं उनको जो है तो खाली करने की बात कर रहा है प्रशासन, उनको 8 तारीख तक का जो है तो टाइम दे दिया गया है, दिवाली सामने है, दिवाली 4 तारीख को है और कोविड की मार अभी ख़त्म नहीं हुई है, गरीबों के लिए मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबके धंधे जो है तो उध्वस्त हो चुके हैं, उसमें अगरचे यह सीन आता है तो इनके पास में प्राय क्या रहेगा मैं नहीं जानता। यहाँ पर हमारे साथ MIM के नेता है नासिर सिद्दीकी साहब जो MIM के बहुत बड़े नेता है, मैं इसलिए बार बार नेता कह रहा हूँ, और नेताओं ने आके जो तो अपनी रोटी सेकी थी, हमदर्दी बटोरने का काम किया था, अभी महानगर पालिका का इलेक्शन सामने है, मैं माफ़ी चाहता हूँ नासिर भाई आपको थोड़ा मेरी बात का बुरा लग रहा होगा, लेकिन कहीं ये हमदर्दी बटोरने का मौका तो नहीं है? देखिए जैसा कि आपने बोला इससे पहले कभी हुआ होगा, लेकिन मेरे खासदार इम्तियाज जलील साहब अगर कोई आमदार थे अगर कोई बात बोलते हैं तो वो करके भी बताते हैं, कल उन्होंने ग्राउंड पे उतरकर यहाँ पे आकर लोगों को हिम्मत दिलाई और ये स्टेटमेंट दिया कि एक भी घर गिरने नहीं देंगे, चाहते तो वो कोई और गोल मटोल बाल कर बात कर सकते थे, लेकिन उनकी बात साफ है कि यहाँ घर गिरने नहीं देंगे। असल बात ये है कि मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठ गए जो ज़मीन माफिया है और उनके रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसके अंदर लोकल प्रशासन से महानगर पालिका के भी कुछ गुंडा सिफत ऑफिसर और उसके अंदर ख़ास तौर पे रविंद्र निकम जैसा एक ऑफिसर जो यहाँ पे संभालता है, तो अगर आप कोई इल्लीगल चीज़ बताओ वो ऑफिसर को, अगर वहाँ से उसको पैसा नहीं मिला तो वो वहाँ पर जाके उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, और कोई लीगल चीज़ आप उसको बोलो तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल के वो लीगल चीज़ को भी इल्लीगल करता है, वो इतना मास्टर आदमी है। उसने परसों रात में 11 बजे आकर यहाँ पर दहशत निर्माण की और यहाँ के लोगों को बताया कि रविंद्र निकम तोड़ने आ रहा है, क्या बात है गवर्नमेंट का एक जब पोस्टर लग रहा है उसके ऊपर रविंद्र निकम का नाम क्यों आता है, क्या रविंद्र निकम को अलॉट की गवर्नमेंट ने? मैं समझता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट तक दिशा भूल करने का काम किया, गलत पेपर सबमिट किए, उन्होंने यहाँ की एक कमेटी बनाना और मंत्रालय में कमेटी बैठना चाहिए, और उन्होंने बाजाब्ता जो निज़ाम स्टेट के टाइम से जो पेपर है उसकी स्टडी करना चाहिए कि ये जो ज़मीन है ये स्टेट गवर्नमेंट की है या नहीं है, सबसे पहले तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद BNC के ऑफिसरों के ऊपर गुना दाखिल होना कि आपको ये जगह नहीं दी गई थी, आपको यहाँ का मेंटेनेंस दिया गया था क्वार्टर्स बना के, और ये जो लोग हैं आज उनकी जो बेवाएं हैं, आज इनके जो लोगों ने कई सालों तक गवर्नमेंट की सर्विस की, वो गवर्नमेंट को सर्विस दिया और ऐसी लोगों की बेवाओं को आप लोग बेघर करने जा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने खुला खुला बोलना कि हम जो है तो हुकूमत नहीं चला रहे, हम जमीन का काम तो खासदार साहब का है ना, पूछेंगे खासदार साहब, ये तो मैं वही बता रहा हूँ कि खासदार साहब भी पूछेंगे और यहाँ की जनता, यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट मंगा के गवर्नमेंट ने फिर से स्टडी करना चाहिए, ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जीत गए तो आपने बहुत कोई वो कर लिया, हकीकत कुछ और है, आपने दिशा भूल करे, BNC के ऑफिसर हो या कॉरपोरेशन के हो, इन सबको बिठा के यहाँ की एक कमेटी बना के कुछ लॉयर्स को अपॉइंट करके सबसे पहले तो इसका निर्णय ये होना कि जगह किसकी है, अगर जगह निज़ाम स्टेट में अगर इनको अलॉट किए तो BNC का और स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ से आपने विड्रॉल हो जाना चाहिए, अगर नहीं होंगे, अगर ज़बरदस्ती का आप तजाद पैदा करेंगे तो इसका मतलब प्रशासन पब्लिक से बड़ा नहीं है। मैं आपके माध्यम से पहले ये बताता हूँ कि प्रशासन जो भी हो, सत्ता किसी की भी हो, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, जिस दिन पब्लिक अगर रोड पे उतरेंगी तो प्रशासन को भी बता देंगे कि पब्लिक क्या होती है जी। लेकिन नासिर भाई ये ऐसा कब तक चलेगा, बार बार आके जो तो यहाँ पे नोटिस लगाई जाती है, इससे पहले नोटिस भेजी गई थी, इसका फाइनल सोल्यूशन कब निकले? इसीलिए मैंने अभी जो कहा ना कि एक कमेटी बनाना चाहिए एक्सपर्ट्स की और स्टार्ट से डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए जी, कि इसके अंदर वाकई में ये जगह किसकी है, ऐसा नहीं कि कुछ माफियाओं ने कुछ गलत पेपर सबमिट करके कोर्ट से फैसला लेकर आ गया तो ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैसला है, लेकिन हो सकता कि उसके अंदर कुछ लोगों ने दिशा भूल करने का काम किए होंगे तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और इसको वापस से स्टडी करके देखिए
कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद में पेपर सबमिट होंगे, उसके बाद में जो निर्णय आएगा वो है। लेकिन जो 8 तारीख का है, क्या MIM गरीबों के साथ में खड़ी है, ये लोगों के साथ में खड़ी है, बुलडोजर नहीं चलने देंगी? अगर चलाते हैं तो MIM का क्या खत्म रहेगा? सबसे पहले MIM के लोग, हम ऐसा पक्ष बोल के नहीं खड़े रहेंगे, यहाँ के लोगों के साथ में सबसे पहले हम खड़े रहेंगे, यहाँ के लोग आखिरी में खड़े रहेंगे। बुलडोजर चढ़ाना है तो उधर से चलाते हो आइए, आप MIM के लोगों बोलिए या कोई और पक्ष के भी, ये यहाँ के लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ के कई लोगों ने तय कर लिया कि अगर जिस दिन प्रशासन ये हरकत करेगा तो ये यहाँ पर जो सीन पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा होगा, कई लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस है, कई लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है और कई लोग जो है बुलडोजर के सामने तो सोने के लिए तैयार है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये हरकत ना होने के लिए सबसे पहले हम लोग इनके साथ में खड़े रहेंगे, इसमें पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। जी बहुत अच्छी बात कही है नासिर भाई ने कि हम यहाँ पे पक्ष बोल के नहीं खड़े हैं, ये गरीबों के साथ हम भी एक आम इंसान बोल के खड़े हैं। अगरचे यहाँ पे बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले नासिर भाई यहाँ पे खड़े रहेंगे बुलडोजर के सामने और बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। आज ये जो गरीब 50-50 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा प्रशासन से यही निवेदन है, यही आज हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि घर देने का काम करिए, घर तोड़ने का काम मत करिए। मैं असगर अली, आप देख रहे थे कौमी सियासत आप तक। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter इन सभी पर